सैनिक वाकेंट से। दूसरी तरफ गया पर टीम गॉड लाइक गोल्डन मिराडो लेके जा चुके हैं अभी के बिल्कुल। अब अगर मैं देख पा रहा हूँ तो पिकाडो के आसपास से टीम अभी के लिए गुजरती नजर आ रहा, लेकिन उनके सामने कैफल के खिलाड़ी चैलेंज रख पाते कि नहीं। दूसरी तरफ टीम 8 फिट की बात करते हैं, TSM के साथ उनका सामना होता नजर आ रहा है, हलचल हमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से गाड़ियां चलाई जा रही है मिराडो, तो कहीं रेस वगैरह तो नहीं लग रही है यहाँ पर। बस जोक सपाट, जिस तरफ ये बढ़ रही है टीम फेसलेस का सामना है, कभी भी यहाँ पर टीम गॉडलाइक के अगेंस्ट यहाँ पर हो सकते हैं। और ये देखिए कितना करीब है यहाँ पर, बट कोई फाइट ही नहीं, कोई यहाँ पर अब स्प्रे नहीं लिया गया, लेकिन फाइनली अब वो स्प्रे हमें देखने को मिलता हुआ। तो अब आपने गॉडलाइक को इनविटेशन दे दिया है, तो बिल्कुल फाइट भी वो करेंगे, लेकिन लेट्स फाइंड आउट किस तरह से चैलेंज यहाँ पर टीम गॉडलाइक रख पाती है टीम एप्पल की, क्योंकि अभी के लिए उनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कहाँ कहाँ पर टीम एप्पल के खिलाड़ी यहाँ पर फैल रखे हैं। देखिए वो चीजों को पता करने के लिए ग्रेनेड से यहाँ पे शुरुआत करने के लिए बात ही आ सकती है, बट जी गॉड को डाउन किया गया, फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा इनके आंखों के सामने। क्लच गॉड को भी यहाँ पे नॉकआउट कर देगा। फेसलेस ऑन फायर, जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, नो डाउट यहाँ पे अच्छा चैलेंज दे सकती है टीम गॉड लाइक को। और एग्जैक्टली आते के साथ यहाँ पे एक नुकसान जी गॉड के रूप में हो चुका है, ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे जोनाथन की तरफ से, एक्टर को फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट कर देते हैं। ये चीजें थोड़ी पहले होती तो बेटर हो सकता था, लेकिन बाद में भी बट रिजल्ट चलिए यहाँ पे अब उनके तरफ मिलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस बीच आप बात करें तो नॉकआउट होने के चांस एग्जैक्टली ये नहीं होना था, केवल अब एक प्लेयर जोनाथन रहेंगे अपने एंड से। इन्फॉर्मेशन है टीम एफएल के पास की सामने हम ऑलरेडी इनके एक प्लेयर को बाहर कर चुके हैं नॉकआउट के, आखिरी प्लेयर भी यहाँ पे मॉली से नॉकआउट हो चुके। तो रिवाइवल की तरफ जोनाथन यहाँ पे ट्राई करेंगे जल्द से, लेकिन टीम फेसलेस आप इन्हें मौका नहीं दे सकते। अगर इन्हें मौका मिल गया तो ये वापस से ट्राई की जोड़ी मुश्किल के कारण, मुश्किलों के कारण आपके लिए यहाँ पे बन सकता है। रिवाइवल का कोशिश की जा रही, सामने से यहाँ पे पिक्सल मिल जाएगा, रिवाइवल कैंसिल करना पड़ा चारों तरफ से। यहाँ पे जोनाथन को घेर लिया है, कुछ यहाँ पे स्प्रे करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मिलेगा ट्विटी, लेकिन आपको इतने सारे एंगल से स्प्रे का जब सामना करना पड़ता है तो कोई रास्ता आपके पास बचता नहीं है। टीम फेसलेस की तरफ से कमाल का परफॉर्मेंस, एक्टर की तरफ से एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला गया, लेकिन ग्राउंड में आप देखिए एक और टीम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। सेवन सीज यहाँ पे बात करें तो बहुत जल्दी से अपने आप को उनके पास लेके आ चुके हैं, और लेके आए हैं साथ ही साथ चारों तरफ से इन्हें घेरा भी जा चुका है कि वो पहला पिक्सल यहाँ पे मिले जिससे मुश्किल में अपने आप को डाला जा सके। बट जो भी रहा यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दीबाजी कर बैठे यहाँ पे टीम गॉडलाइक, वो पहले ग्रेनेड जाते तो मौका मिल सकता, बट डार्क लॉर्ड को यहाँ पे इजीली स्पॉट कर चुके हैं। प्रिंस की तरफ से कनेक्शन क्या पैरल की थी, जाना चाहिए था, मौका मिला था लेकिन बहुत ही कम समय मिला। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करें, क्योंकि पता है यहाँ पे अगर जल्दबाजी में आके वो अपने पोजीशन को रिवील कर दिए तो एफएल जो फिलहाल थोड़ा रिलैक्स होके क्रेट की तरफ जाके लूट रहे वो अलर्ट हो जाएंगे।